परिचय। हम अपने दैनिक जीवन में घन का प्रयोग अक्सर करते हैं। उदाहरण के लिए, घन एक ठोस आकृति होती है। हम घन का आयतन गणित के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके पास एक घनाकार डिब्बा है जिसमें थोड़ी मात्रा में तेल है। बॉक्स में कितना तेल है? आप घन के आयतन का प्रयोग करके आप तेल की मात्रा जान सकते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। घन को पहचानना। अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग के लिए घन को पहचानना। घन की विशेषताएं बताना। घनमूल को पहचानना। घन और घनमूल के बीच विभेद करना। किसी पूर्ण घन का अभाज्य गुणनखंडन की सहायता के बिना घनमूल ज्ञात करना। पूर्ण घन। किसी संख्या का घन तब प्राप्त होता है जब उस संख्या की घात 3 कर दी जाती है। घन का आयतन बराबर है s घन के। जब किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है। 2 का घन बराबर है 8 के। 5 का घन बराबर है 125 के। 8 और 27 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं 2 और 3 का घन है। ऐसी संख्याओं को घन संख्याएं कहते हैं। उदाहरण। पूर्ण घन बनाने के लिए 500 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना होगा? हल। हमने देखा है कि 500 बराबर है 2 घन गुणा 5 घन के। अतः गुणन खंडन को 3-3 के समूह में बनाने के लिए हमें 500 को 2 से गुणा करना चाहिए। उदाहरण। 686 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से भाग देना होगा? 686 का गुणन खंडन करके हमें यह प्राप्त होगा। गुणज 7 3 के समूह में है लेकिन 2 अकेले है, इसलिए यदि इसमें 2 से भाग दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। 686 को 2 से भाग करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। संख्याओं के घन की विशेषताएं। सम संख्या और विषम संख्या का घन। यदि किसी सम संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए तो परिणाम एक सम संख्या ही होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि एक विषम संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाए तो परिणाम एक विषम संख्या होगा। उदाहरण स्वरूप, किसी प्राकृतिक सम संख्या का घन एक सम संख्या होता है। किसी प्राकृतिक विषम संख्या का घन एक विषम संख्या होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों का घन। नीचे दिए गए गुणन को देखिए। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक का घन ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। किसी परिमेय संख्या a बटे b का घन निम्न प्रकार से है। घनमूल। यदि 2 का घन 8 है तो 2 को 8 का घनमूल कहा जाता है। हम घनमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। घनमूल। किसी दी गई संख्या का घनमूल वो संख्या होती है जिसका घन दी गई संख्या के बराबर है।
किसी पूर्ण घन का अभाज्य गुणनखंडन द्वारा घनमूल प्राप्त कीजिए। उदाहरण 1728 का घनमूल प्राप्त कीजिए। हल: दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। समान गुणनखंडों का त्रिक बनाइए। प्रत्येक त्रिक से एक अभाज्य संख्या लीजिए और उनका गुणनखंड बनाइए। वांछित घनमूल 12 है, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ऋणात्मक संख्या का घनमूल। हमने देखा है कि ऋणात्मक पूर्णांक का घन भी ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। उदाहरण स्वरूप, सामान्यतः यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः एक ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल प्राप्त करने के लिए इसके पूर्णांक का घनमूल ज्ञात कीजिए और उसके पहले ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। उदाहरण स्वरूप, पूर्णांकों के गुणनखंड का घनमूल। उदाहरण स्वरूप, परिमेय संख्याओं का घनमूल हम पहले ही देख चुके हैं, इसे इस प्रकार लिखते हैं। उदाहरण का घनमूल ज्ञात कीजिए। हल: सारांश। आइए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी संख्या का घन उस संख्या की घात 3 होती है। घन संख्या या पूर्ण घन एक प्राकृतिक संख्या होती है जो किसी प्राकृतिक संख्या का घन होता है। एक पूर्ण घन समान गुणनखंडों के त्रिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन विषम प्राकृतिक संख्या होता है। ऋणात्मक पूर्णांक का घन ऋणात्मक पूर्णांक होता है। किसी परिमेय संख्या का घन इस प्रकार होता है। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन दी गई संख्या के बराबर हो। ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल ऋणात्मक होता है। किसी परिमेय संख्या a/b का घनमूल यह होता है।